उन्होंने भूत पूजा वो करते थे, वो बलि आदमी की बलि देते थे, झोटे की बलि आज राजस्थान में ब्राह्मण लोग देते हैं। जो देवी देवता ये होते, देवता होते तो ये बलि ना लेते। हमारे जो ग्रंथ होते थे हमारे घरों में नदी में डलवा देते थे आर्य लोग ब्राह्मण लोग। हम अपने घर में धन इकट्ठा करते 100 रुपये रखते थे उस टाइम जमाने में, हमारे घर में पैसे रखने देते थे, आप दान करो हम यहाँ के शासक थे आज गुलाम बन गए हम। अगर जो वो माता है तो वो बलि की बकरी नहीं लेगी ना झोटे की बलि लेगी। रोटी बेटी का जो रिश्तों का टांग साहब ने और हमारे अज्ञानी जी ने बहुत अच्छा एक सिस्टम चलाया है। मैं चाहूँगा देश पूरे देश में ये चले और इस मुहिम को पूरे देश में चला जाए। ये बहुत अच्छी मुहिम है और जो रिश्ते हमारे माता दूतनी है पाथरे वाली है या हमारी यूपी में है एक माता खादरे वाली, हाँ जी फूला देवी अलग है खादरे वाली एक खादरे वाली है। तो पहले सबसे पहले हमारे आदिकाल में इन देवी देवता को नहीं मानते थे आर्यों से पहले, आर्यों ने हमारे पर थोपा गया क्योंकि हमने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पढ़ा है ब्रह्मा विष्णु जब इस देश में आए आर्य लोग उन्होंने वो करते थे इस भूत पूजा को, तो उन्होंने हमारे पर थोप दिया ये, तो इसने से डरने वाली बात नहीं है। ब्रह्मा विष्णु मतलब आए थे वो तो, ब्रह्मा विष्णु आर्य से बाहर से आए थे इस देश में, भगवान के ऊपर से आए थे। अगर भगवान होते तो आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया में देखो उसको खींच के ले गए, जैसे आज किन्नरों को खींच के ले जाते ऐसे खींचा उसको और दबा के आए दफना के आए। आर्य पहले दफनाते थे, तो जब इस देश में आर्य आए उन्होंने भूत पूजा वो करते थे, वो बलि आदमी की बलि देते थे, झोटे की बलि आज राजस्थान में ब्राह्मण लोग देते हैं, ठाकुर भी देते हैं बंगाल में भी हिमाचल में भी और कई हैं भारत में जिसमें झोटे की बलि देते हैं, पहले आदमी की बलि देते थे। तो मैं अपने समाज से ये कहना चाहता हूँ जो देवी देवता ये होते देवता होते तो ये बलि ना लेते। और ये मांस जो बना है उसमें डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा, नेहरू ने लिखी वो किताब, लिखी तो पहले ही थी, उसमें लिखा जो मांस खाता है ना जो वो जीभ से पानी पीने वाला जानवर के लिए बना था मांस, आज हमने उस अपने आप भी लगा लिया उसको। तो इसे माता से डरने की लौड़ नहीं है। अगर जो भी भाई चाहता है मीठे पे आ सकता है और छोड़ना चाहता है इसको छोड़ सकता है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो हमारे लोग नहीं मानते थे इस देवियों को, हमारे पर थोपा गया ये जो अलग अलग स्टेटों में अलग अलग नाम से है, फूला देवी है। आपका कहने का मतलब है कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश थे वो एक आम इंसान ही थे, आम इंसान थे, आर्य थे, आर्य थे, हाँ जी, भगवान नहीं थे। भगवान किसको बोलते हैं पहले तो आप ये समझिए, भगवान बोलते जो भक्त से पैदा हुआ, और परमात्मा अलग चीज़ है, परमात्मा वो सबसे बड़ी आत्मा है। भगवान संस्कृत में लिखा है कि जो भक्त से पैदा हुआ, जैसे आप हो आप कोई अच्छा काम करते हो तो भाग्यवान हो आप, तो जैसे हमारे साहब हमारे इस देश में इस युग में हमारे बाबा साहब है भगवान हमारे, क्योंकि हमारे पीछे झाड़ू लगती थी बांध देते थे मटकी बांध देते थे, हमें अच्छी चीज़ नहीं सुनने थे हमारे कानों में छिक्के तक डाले गए, हमारे जो ग्रंथ होते थे हमारे घरों में नदी में डलवा देते थे आर्य लोग ब्राह्मण लोग, हमारी बेटियों को कपड़ा नहीं पहनने देते थे, हम अपने घर में धन इकट्ठा करते 100 रुपये रखते थे उस टाइम जमाने में, हमारे घर में पैसे रखने देते थे आप दान करो। तो ऐसी अब प्रथा हमारे अंदर रही, तो जो ये प्रथाएँ हमारे पर थोपी गई आर्यों ने हमारे पर थोपी है, तो आर्यों ने हमें हमारे पूर्वजों को मारा, हमें गुलाम बना दिया इस देश में, हम यहाँ के शासक थे आज गुलाम बन गए हम। तो ये बहुत सी प्रथाएँ रही, ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है। आप जो बोल रहे हैं ना उससे लोगों की भावनाएं हाथ हो जाएंगी, जो आप बोल रहे हैं ये सच्चाई बोल रहे हैं हम, किताब पढ़िए ग्रंथ पढ़िए, मनु की किताब है भारत सभी लाइब्रेरी मिलती है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया मिलती है। जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक नाटक भी चला था वो RSS ने बंद करा दिया, भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया उसका नाम है किताब का, नेहरू ने लिखी है, हर लाइब्रेरी मिल जाती है। जो भी ये हम बोलते हैं हम हिंदू हैं वो किताब पढ़ लीजिए, उनको पता लग जाएगा वो कहाँ से आए कौन है और हम कौन है। हम 90% जो यहाँ के मूल निवासी, तो हिंदू हिंदू का बड़ा चल रहा है देश में, हिंदू हिंदू राष्ट्र बनाएंगे ये सब बनाएंगे, तो ये जो दलित समाज है वो हिंदू नहीं था क्या कभी? ये दलित समाज था, ये हिंदू नहीं था, ये आदिवासी अछूत, अछूत का मैंने अनटच, इसको कोई छू नहीं सकता था, जैसे लाइट है लाइट को आप छू सकते हो, ये अछूत है अनटच है, तो हमारे को कोई छू नहीं सकता था अनटच, जैसे हम दूध घर में रखा आपके
आपने घर वाले ने चाय बनानी, क्या भैया इसको मत छूना। तो हम अछूत थे, हम अनार्य और वो आर्य। आपने रामायण देखी होगी, महाभारत देखी होगी, उसमें भी दिखाया अनार्य आर्य। रामायण खुद इन्होंने हिंदुओं ने चलाई है ना, महाभारत भी हिंदुओं ने बनाई है, उसमें खुद लिखा है जो पांडव थे वो उनमें बोलते हैं आर्य बोलते हैं। सबसे बड़ी आपको मैं बताता हूँ, जिस कबरी ऑफ इंडिया भारत खोज किताब है उसमें सब कुछ लिखा, ब्रह्मा विष्णु कहाँ से आए, आर्य थे ये, ये फिरंगी थे, ये व्यापारी थे इस देश में जब आए, और यहाँ हड़म्बा की सम्पदा थी। सबसे पहले कैलेंडर आज जो हड़म्बा में निकला है, हड़म्बा में कैलेंडर निकला जो बनाया गया था आदिवासियों के टाइम में, और उसी कैलेंडर के हिसाब से चल रहा है, वो दिशा भी बताता था, सब कुछ बताता था, और जो घरे भी हड़म्बा के टाइम में बनाए गए थे सब। तो आर्य हैं ये, बाहर से आए जो हिंदू बोलते हैं वो आर्य हैं, और हम 90% लोग यहाँ के मूल निवासी है, जिसमें जट भी आता है, गुज्जर भी आता है, ये सब सब यहाँ के आदिवासी मूल निवासी है, और जो हिंदू अपने आप को बोलते हैं वो आर्य हैं, और हम अनार्य, हम आदिवासी यहाँ के मूल निवासी है। तो इस माता से डरने की लोड़ नहीं है, जो भी माता से डरेगा वो माता हमें दे दीजिए, हम उसको स्वीकार करेंगे। अगर जो वो माता है तो वो बकरे बले की बकरी नहीं लेगी, ना जोटी की बलि लेगी। तो हम अपने समाज को की बात बताएंगे, तो इससे माता से डरने की लोड़ नहीं है, समाज में आइए। जो हमारे अज्ञानी जी ने पूरे देश में जो बाबा साहब का संविधान 40 चला रखा है उसको पढ़िए, और अपना आप ज्ञान हो जाएगा, और एक छोटी सी किताब है भारत खोज, उसको पढ़िए, सब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, ग्रंथ में ही सब कुछ है। भगवान वाल्मीकि महाराज ने योग वशिष्ठ लिखा, योग वशिष्ठ, योग वशिष्ठ में एक एक नाड़ियाँ हैं, और सबसे पहला इस धरती का जो ग्रंथ है वह रामायण है। भगवान वाल्मीकि महाराज ने राम के 90,000 से पहले, पैदा होने से पहले रामायण लिख दी, और जो राम भगवान होता था उसका बाप नहीं होता, तो भगवान है वो, परमात्मा नहीं है राम। जो ब्रह्मा विष्णु वो राम नहीं है, मैं भी एक भगवान हूँ, ये भी एक भगवान, आप भी एक भगवान हो। भगवान का मतलब भला मानस, संस्कृत में लिखा है, जो भगवान हो भला मानस है, जो भगवान है वो भक्त से पैदा होता है, परमात्मा भक्त से पैदा नहीं हुए, वो आप ही आप है, अपने आप है। तो ज़्यादा ना बोलते, जय वाल्मीकि, जय भीम, जय रविदास।